लालू की सुरक्षा में क्या हो रहा है भारी खिलवाड़? क्या लालू की सुरक्षा को हल्के में लेने की हो रही है कोशिश? क्या लालू की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं शराबी पुलिस वाले? ये सवाल इसलिए क्योंकि रिम्स में भर्ती लालू की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी आपस में ही भिड़ गए, और सबसे बड़ी बात ये रही कि वो शराब के नशे में बताए जा रहे थे और आपस में मारपीट कर बैठे, जिसमें से एक को भारी नुकसान हुआ और वो घायल हो गया। दरअसल चारा घोटाले में रिम्स में भर्ती सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सुरक्षा कर्मी बीते दिन आपस में भिड़ गए। सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक सुरक्षा कर्मी का हाथ टूट गया। घायल का इलाज रिम्स में चल रहा है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में दोनों पुलिस कर्मियों के बीच बहस हुई, जिसके बाद एक पुलिस कर्मी ने अपने साथी पुलिस कर्मी की इतनी पिटाई कर दी कि उसका हाथ ही टूट गया। इस पूरे घटनाक्रम पर घायल सुरक्षा कर्मी देवेंद्र सिंह ने कहा कि नशे में धुत सिपाही विनय कुमार झा ने उन पर हमला कर दिया, बेल्ट और घुटनों से उनकी पिटाई की, जिसके बाद उनका हाथ टूट गया। 10 तारीख ड्यूटी उसका खत्म हो गया था, दुआ का ड्यूटी खत्म हो गया था मेरा, होगा दुआ फिर डिलीवर जाने की तैयारी था, जाने में तो ऐसे टूट पड़ा है मेरा। तो हो गया ये, कौन सा गप पे हो गया है? कौन सा गप पे हो गया? गप पर मेरा जैसे मोबाइल रख लिया, पूरा रख लिया था मोबाइल, मेरा मोबाइल तो आज कल मैच चल रहा है। हाँ, तो बोले कि बाबा अब टाइम हो गया, अब चले कि चाहे छुट्टी है तो डिलीवर साहब आ गया, तो नहीं देर लगा था मोबाइल लेके चल गए। अब अगर पीछे पीछे आके आगे बढ़े तो भाई का जहाँ एक बार आप लोग नहीं गिरे थे उसमें हम नहीं पीछे हटते थे, मेरा फूट जाता। अगर हम नहीं चाह के करते हम तो हवलदार थे, जाने के लिए कुछ करेंगे तो हम लोग पीछे जाएगा। अपना बचते बचते हम किनारे अपना घाट प्रभारी का रुतबा किए हैं। इस पूरे प्रकरण में सुरक्षा अधिकारी बोलने से बचते हुए दिखाई दिए, जबकि बताया जा रहा है कि ये पूरी घटना परिसर के बाहर हुई है। घटना के बाद सवाल उठता है कि क्या लालू जैसे हाई प्रोफाइल कैदी की सुरक्षा नशेड़ी पुलिस कर्मियों के हवाले है? आपको बता दें कि इस घटना के बाद लालू की सुरक्षा में तैनात सभी पुलिस कर्मियों को बदल दिया गया है। ऐसे में क्या लालू की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो पहले से सवाल उठ रहे थे, क्या वो जायज है? अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही हमारे वीडियो देखना चाहते हो तो बिहार तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें।